21 जनवरी को नए मंदिर में शिफ्ट होगी अभी विराजित राम लला की मूर्ति, मंदिर होगा बंद। नमस्कार, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अस्थाई मंदिर में विराजमान राम लला 21 जनवरी को नए मंदिर में पहुंच जाएंगे। इस दिन भक्तों को दर्शन नहीं मिल पाएंगे, इसकी सूचना ट्रस्ट की ओर से भक्तों को दी जाएगी। अचल मूर्ति को सोने के सिंहासन पर कमल के आसन पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसके ठीक सामने सोने के सिंहासन पर विराजमान रामलला चारों भाइयों के साथ विराजित रहेंगे। रोजाना दोनों मूर्तियों की पूजा भी होगी। रामलला पंचकोसी परिक्रमा भी करेंगे, प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न नदियों के जल से स्नान भी कराया जाएगा। ये स्नान सरयू तट पर होगा या फिर मंदिर में, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है, पूजा नियम के जो भी अनुशासन है वह सभी मानेंगे। यदि उन्हें व्रत रखने को कहा जाएगा तो वह व्रत भी रखेंगे। मंदिर में 5 मंडप है। 3 मंडपों में साधु संतों की बैठने की व्यवस्था होगी। 2 मंडप में कुर्सी लगाई जाएगी। परकोटा के प्रवेश द्वार पर खाली स्थान पर करीब 7,000 कुर्सियां लगाई जाने वाली है। गर्भगृह में पूजन के बाद पीएम जैसे ही बाहर निकलेंगे वह अतिथियों से मुखातिब होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमान गढ़ी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। परिसर की निगरानी 25 CCTV कैमरा से हो रही है। यहां आने वाले श्रद्धालु की अब चेकिंग भी होने लगी है। पुरुष व महिला श्रद्धालुओं की अलग अलग कतार में दर्शन कराया जा रहा है। हनुमान गढ़ी के प्रवेश द्वार पर जांच के लिए आधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं। सिविल पुलिस के साथ PAC सुरक्षा बल की तैनाती भी है। रामनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ का सर्वाधिक दबाव सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी में रहता है। अयोध्या में हनुमान जी राजा के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए यहाँ जो आता है सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाता है। श्री राम की एक झलक पाने को देश भर के श्रद्धालुओं के साथ अब विदेशी मेहमान भी पहुंचने लगे हैं। ये मेहमान उन देशों से आ रहे हैं जिनका नाम तक स्थानीय लोगों को इंटरनेट पर खोजना पड़ रहा है। ऐसे में से श्री राम का चमत्कार समझा जाए या विश्व पटल पर युगों से विद्यमान उनके यश का प्रमाण, 7 समंदर पार कर लोग उन्हें प्रणाम करने धाम तक आ रहे हैं। ये हाल तब है जब भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा को अभी 14 दिन शेष है।